डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स चैप्टर को। फिजिक्स में हम लोग जो नए चैप्टर का शुरुआत किए हैं उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, फिजिक्स में एक नई चैप्टर के साथ जिसका नाम प्रत्यावर्ती धारा है उसको हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर कुंडली को घूर्णित किया जाए, यानी कि कैसे घूर्णन करता है चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आइए हम लोग आगे सीखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान तथा शिखर मान, ये टॉपिक बनाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान तथा शिखर मान, ठीक है, टॉपिक बनाएंगे प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान तथा शिखर मान। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के, फर्स्ट एरो में लिखा जाए प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान तथा शिखर मान का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान तथा शिखर मान का समीकरण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। चलिए अब हम लोग कुछ इसके नीचे कुछ समीकरण को सीखेंगे कि हम लोग किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान तथा शिखर मान को एक समीकरण से व्यक्त किया जाता है और उस समीकरण में हम लोगों को जानना चाहिए कि वो समीकरण क्या है। तो उसके नीचे लिखेंगे अर्थात I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नोट साइन टू पाई एफ टी, चूंकि ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई एफ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इस बात को कि अभी हम लोग क्या लिखे कि प्रत्यावर्ती धारा का जो तत्कालिक मान है या फिर शिखर मान है उसको एक समीकरण द्वारा सूचित किया जाता है, एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो उस समीकरण द्वारा जब हम लोग उसको दिखाते हैं वो समीकरण क्या है, तो वो समीकरण I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए इस बात को कि I को बोलते हैं हम लोग तत्कालिक मान यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा में उसका दो तरह का मान है, एक को बोलते हैं तत्कालिक मान और एक को बोलते हैं शिखर मान, एक को बोलते हैं तत्कालिक मान और एक को बोलते हैं शिखर मान। जरा इन बात को देखिए कि अब हम लोग धारा के जो मान है उसमें किसको कहेंगे तत्कालिक मान और किसको कहेंगे शिखर मान। तो जो इसमें आई है इसी आई को बोलते हैं हम लोग तत्कालिक मान और आई नोट को बोलते हैं शिखर मान। आई नोट को क्या बोलते हैं शिखर मान और आई को क्या बोलते हैं तत्कालिक मान, ठीक है। तो ये अब उसके नीचे लिखेंगे जहां कॉमा आई बराबर प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, आई बराबर लिखिए प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, उसके नीचे आई नोट इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, आई नोट में लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, फिर लिखेंगे ओमेगा के बारे में, ओमेगा बराबर ओमेगा को क्या पढ़ते हैं,
इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। फिर टी, टी के बारे में लिखेंगे समय, टी के बारे में क्या है समय है। पाई क्या है स्थिरांक है जिसका वैल्यू 3.14 होता है। पाई क्या है तो स्थिरांक है जिसका वैल्यू कितना होता है 3.14 या 22/7। एफ के बारे में लिखिए आवृत्ति, एफ के बारे में आवृत्ति, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला आपको एक समीकरण याद रहना चाहिए, वो समीकरण कौन सा है तो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी या फिर I बराबर I नोट साइन 2πft। ऐसा क्यों? पहला तो ये समीकरण याद रहना चाहिए जो तत्कालिक मान के लिए या फिर शिखर मान के लिए एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। एक समीकरण दिया गया है किसके किसके लिए, तत्कालिक मान के लिए और शिखर मान के लिए। अब इसी में ये हो गया आपका शिखर मान और ये हो गया तत्कालिक मान। आई को तत्कालिक मान बोला जाता है, आई नोट जहां भी दिख जाए वो धारा का शिखर मान, शिखर माने ऊंचा हाई वैल्यू, ठीक है। और साइन तो एंगल है, साइन कोस तो ये तो ट्रिगो है और उसके एंगल में ओमेगा टी है। ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति और टी का मतलब समय। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि ओमेगा का फार्मूला कितना होता है 2πf, ओमेगा का फार्मूला 2πf, इसीलिए इस ओमेगा के जगह पे हम लोग 2πf को रख दिए। तो टोटल फार्मूला क्या बन गया, I बराबर I नोट साइन 2πft, ठीक है। जहां पे I को हम लोग बोलेंगे तत्कालिक मान, I नोट को बोलेंगे शिखर मान, धारा का शिखर मान, साइन तो जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का है, 2πका स्थिरांक है इसका वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हैं, f का मतलब आवृत्ति, देखिए ये आवृत्ति है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, दोनों में अलग अलग वैल्यू होता है, कोणीय आवृत्ति अलग है और ये आवृत्ति अलग है, इसलिए दोनों में एक नहीं समझना है। टी का मतलब समय। अब जरा इनको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखा जाए ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि आखिर तत्कालिक मान और शिखर मान का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि इसको एक समीकरण के द्वारा आपको याद रखना पड़ेगा कि तत्कालिक मान और शिखर मान क्या होता है। फिलहाल एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन बोलते हैं और फिर आप लिखिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, 50 हर्ट्ज हो और धारा का शिखर मान और धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है तो किसी समय 1/300 सेकेंड पर, किसी समय 1/300 सेकेंड पर धारा का तत्कालिक मान ज्ञात करें, किसी समय 1/300 सेकेंड पर धारा के तत्कालिक मान ज्ञात करें,
चलिए देखा जाए कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर अच्छा से देखिए इन क्वेश्चंस को, तो बोल रहा है कि सबसे पहले तो तत्कालिक धारा का तत्कालिक मान और शिखर मान में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि एक समीकरण के द्वारा दे दिया गया है, आप इनको याद कर लीजिए। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि इसका प्रूफ कर दें और वो चीज आ जाए, है ना। तो इसका प्रूफ नहीं है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई विद्युत धारा जनित्र है, उसका कुंडली की आवृत्ति, तो सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या दिया है भाई, तो आवृत्ति, और आवृत्ति को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, क्योंकि दो तरह का आवृत्ति होता है, एक कोणीय आवृत्ति होता है जिसको ओमेगा कहते हैं, डब्लू के जैसा लिखा जाता है, और एक आवृत्ति होता है जिसको एफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे दिया है, लिखिएगा कितना हर्ट्ज दिया है आवृत्ति, 50 Hz, मतलब कि हर्ट्ज। फिर क्या बोला, धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है, ध्यान दीजिएगा शिखर मान को आईनोट कहते हैं, तो आईनोट का वैल्यू कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। फिर क्या बोल रहे हैं कि किसी समय 1/300 सेकेंड पर, यानी कि 1/300 बोल रहा है टाइम, 1/300 सेकेंड, तब हमें क्या निकालना है, उसका तत्कालिक मान, धारा का तत्कालिक मान निकालना है, ये चीजें निकालना है। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, तो ऐसा फार्मूला जिसमें तत्कालिक मान और शिखर मान हो, तो फार्मूला हम लोगों को पता है, जस्ट सीखे हैं, कौन सा होता है, तो आप लिखिएगा सूत्र से, क्या सूत्र है, तो I=I0sin2πf(t), ये फार्मूला होता है। अब इसमें I का तो वैल्यू निकालना है, I नोट कर रखिए 5 × sin के अंदर 2π × f, f का वैल्यू कितना हर्ट्ज, 50, इंटू टी का वैल्यू कितना, 1/300, 1/300 रख दिए। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम आगे ऊपर से मिटाते हैं, चलिए तो कितना होगा जरा देखिए, 5 × sin है, और sin के अंदर कितना कितना कट रहा है, तो 1 0 से 1 0, 5 × 6 = 30 और 2 × 3 = 6, तो सब कट छट के कितना आ गया, सब इसमें कट छट के π/3 आ गया, देख पा रहे होंगे π/3 आ गया। तो यहां पे लिखेंगे sin π/3, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो 5 × sin π/3 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि sin π/3, यानी कि sin 60, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहां पे पाई का वैल्यू 180 रखिएगा, तो 180 तीन से कितना बार में कटेगा, 60 बार में, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 5 × रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है, 1.732, तो यहां देखिए 1.732 और बटा में कितना, 2, क्योंकि √3 यानी कि 3 का वर्गमूल होता है 1.732। तो इसका तत्कालिक मान कितना होगा जरा हम लोग निकाल सकते हैं, सबसे पहले इसको गुणा कीजिए, 5 × 10 = 10, 1 × 5 = 15, 116 × 6 हाथ में 1, 36 × 6 हाथ में 3, 5 × 5 = 8, 3 अंक के बाद दे दिया, और इसको डिवाइड करना है 2 से, यानी कि ऊपर ऊपर गुना कर दिया और हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है, तो आप देख लीजिए कि कितना बनेगा, तो यहां 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8.233 जा, यानी कि कट के आ जाएगा 4.330 एम्पियर। तो देखिए अब ये जो निकला है ये कितना, किसका मान निकला है, तो तत्कालिक मान जिसको हम लोग आई बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन चीजों को देखने के बाद आपको ये चीज पता चल गया कि आखिर तत्कालिक मान और शिखर मान में क्या अंतर है,
तत्कालिक मान और शिखर मान में क्या अंतर है। तो तत्कालिक मान किसको कहते हैं, जो तत्काल रूप से इमरजेंसी रूप से हर टाइम धारा प्रवाहित हो रही है वो तत्कालिक मान हुआ, और किसी किसी टाइम वो 5 एम्पियर तक पहुंच जा रहा है धारा, इसीलिए वो हो गया शिखर मान। समझ रहे, यानी कि तत्कालिक मान हो गया 4.3 और शिखर मान हो गया 5 एम्पियर जो सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि शिखर का वैल्यू 5 एम्पियर और तत्कालिक का वैल्यू 4.3 एम्पियर। तो चलिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो शिखर मान पे और तत्कालिक मान पे आधारित होगा प्रश्न। चलिए उन प्रश्नों को करते हैं। तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखेंगे जो आपको खुद से बनाना चाहिए ताकि आपके अंदर की जो स्किल है वो डेवलप हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग होमवर्क्स के लिए लिखते हैं और इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा। तो होमवर्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, खुद से ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को लिखा जाए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में लगी कुंडली की आवृत्ति, लगी कुंडली की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। लगी कुंडली की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज है। यदि इस धारा का शिखर मान, यदि इस धारा के शिखर मान 5.2 एम्पियर हो तो इस धारा का शिखर मान 5.2 एम्पियर हो तो, 5.2 एम्पियर हो तो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सेकेंड के समय पर, फिर से मिलेगा 0.025 सेकेंड समय पर, 0.025 सेकेंड समय पर इस प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान ज्ञात करें, तत्कालिक मान ज्ञात करें। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपको खुद से देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें वैल्यू निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 25 हर्ट्ज की आवृत्ति, 25 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न होती है तो,
उत्पन्न होती है तो एक बटा 300 सेकेंड पश्चात, एक बटा 300 सेकेंड पश्चात, एक बटा 300 सेकेंड पश्चात इस प्रत्यावर्ती धारा की शिखर मान कितना होगा, शिखर मान कितना होगा। चलिए तो ये दो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो गया, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान और शिखर मान में क्या रिलेशन होता है, तो इन चीजों को डिस्कस किया। हालांकि इसका कोई प्रूफ सॉरी इसका कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी एक इक्वेशन दे दिया गया है, उस पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बाकी जो है कि हम लोग किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे निकालते हैं। देखिए, दो तरह का मान अभी और हम लोगों का बचा हुआ है, जरा हम आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सा मान है जिसे हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो टोटल अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर में हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो प्रत्यावर्ती धारा, यही ना। और प्रत्यावर्ती धारा का कितने मान होते हैं, तो इसके बेसिस पे तीन नाम होते हैं। एक इसका शिखर मान होता है, या फिर इसको तत्कालिक मान बोला जाता है, तत्कालिक मान, शिखर मान या फिर तत्कालिक मान। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, औसत मान। ठीक है, और फिर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का टोटल कितना मान होता है, तो इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। पहला में उसका शिखर मान और तत्कालिक मान, जो कि आज हम लोग पढ़े, और फिर है इसका औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान। अब ये दोनों का जो फार्मूला आएगा उसका प्रूफ है, यानी कि इसका क्या है, प्रूफ है, लेकिन इसका क्या है, एक समीकरण दे दिया गया है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो चीजें क्लियरली होती है वो बता देना सही होता है। हालांकि जब हम लोग औसत मान पढ़ेंगे, किसका औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, तो सबके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर ये बात ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा को तीन पार्ट में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का तीन मान होता है, इसमें शिखर मान और तत्कालिक मान का कोई प्रूफ नहीं है जो हम लोग पढ़े, लेकिन औसत मान का और वर्ग माध्य मूल का मान का कुछ प्रूफ है, और प्रूफ के अकॉर्डिंग हम उसका पहले लाएंगे व्यंजक। यानी कि जैसे सबसे पहले पहले कैसे करते आ रहे थे कि कुछ चीजों को प्रूफ किया जाता था, और प्रूफ करने के बाद हम लोग उसको न्यूमेरिकल में ऐड करते थे। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ के साथ सीखेंगे कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, और किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है। तो इन चीजों को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद।